हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, ठीक है। तो प्रश्नों में 120 प्रश्न पिछले वीडियो में कंप्लीट हुआ है। आज हम 121 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके परीक्षा में इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि आप आसानी से उनको सही कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए खास करके महत्वपूर्ण है। साथ में जो अन्य परीक्षाएं हैं वो भी उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनमें जो है पूछा जाता है किससे, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है आज का और 121 नंबर प्रश्न है। इसमें देखते हैं कि पहला है स्टेटमेंट कि संविधान के अनुसार संघ के लिए संसद में राष्ट्रपति और दो सदन शामिल होंगे। बात तो सही है, ये सबको पता है कि राष्ट्रपति और दो सदन मिलके संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति संयुक्त राज्य कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है, ये भी बात सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब ये देखिए, इसमें दो सदन कौन कौन से हैं, एक तो है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। एक है जनता का सदन, नाम है जनता का सदन, और एक है राज्यों की परिषद या राज्य परिषद, ठीक है। ये दोनों नाम कब थे, ये दोनों नाम जो थे वो 1954 में थे। 1954 तक ये नाम निर्धारित थे दोनों के, ठीक है। लेकिन 1954 के बाद की स्थिति जब आती है तो ये तो 1954 तक रहे ये दोनों, लेकिन जब 1954 के बाद की स्थिति आती है तो ये नाम हो जाते हैं। ध्यान रखना है कि इनके नाम कब बदले गए, तो 1954 में बदले गए, ठीक है। या फिर स्टेटमेंट में 1954 तक राज्यसभा और लोकसभा का नाम क्रमशः राज्य परिषद और जनता का सदन हुआ करता था, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर हो गया डी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदनों को क्रमशः राज्यों की परिषद, वही चीज हमने बताया था, और लोगों की सभा या जनता के रूप में माना जाएगा, ठीक। अमेरिकी राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है। यहाँ पे कार्यकारी और विधायिका का अलगाव देखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखने क्या है। अगला प्रश्न है कि संविधान बताता है कि राज्यों की परिषद में प्रत्येक सदन, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों का जो चुनाव होगा, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। तो ये संविधान तो बताएगा नहीं, पहली बात, ठीक है। और दूसरी चीज, हर एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है भी नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संविधान नहीं बताएगा तो कौन तय करता है, ये संसद। कैसे तय करेगी, कानून बनाकर। ये चीज संसद जो है कानून बना के तय करती है कि केंद्र शासित प्रदेशों से किस तरीके से चुनाव होगा राज्यसभा के सदस्यों का, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हुआ। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही पुनः नामांकन के लिए पात्र होते हैं, ऐसा है क्या। ये भी गलत है, ये कई बार हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है भाई। इसका सही उत्तर है डी, क्योंकि पूछा क्या गया था सी सही कौन सा है, तो दोनों ही गलत, इसलिए सही उत्तर हो गया डी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या है, संविधान बताता है कि राज्यों की परिषद प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों की तरह से चुना जाएगा, जैसा कि संसद कानून बनाएगी। संसद कानून बना के बताएगी कि किस तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को राज्यसभा में चुना जाएगा, ठीक। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हुआ। दूसरा क्यों गलत हुआ, क्योंकि रिटायर जो सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य होंगे वो किसी भी समय पुनः चुनाव और नामांकन के लिए पात्र हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया जाता है। तो आपको बता दें इसमें कौन सा पहला स्टेटमेंट सही है। सबको पता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल, लेकिन ये नहीं
यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि वो संविधान के अनुसार है या फिर किसी और के अनुसार। तो यहाँ हम बताएं कि संविधान के अनुसार नहीं है, ये संसद के अनुसार रहेगा, ठीक है, संसद के अनुसार। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत। दूसरा क्यों क्या है कि प्राधिकरण है, संसद प्राधिकरण है, लेकिन फिर भी संसद ने संसद की सदस्यता के लिए कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रखी है, ऐसा भी है क्या? अतिरिक्त योग्यता है, कौन सी है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अब तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ गलत हो गया, ठीक है। अब जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम 1951 है, उनमें संसद की सदस्यता क्या है ये आप ध्यान रखिए। क्या नाम है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। क्या क्या है? संसद के सदस्यों के बारे में योग्यता अयोग्यता दोनों निश्चित की गई। तो क्या क्या है योग्यता? योग्यता है कि अपने निर्वाचित क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, 1951 में ऐसा कहा गया है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। दूसरा है, आरक्षित सीट पर अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो उसको ये चीज़ ध्यान रखना कि वो किसी राज्य से या संघ राज्य क्षेत्र से अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों योग्यता के बारे में बताई गई। अब योग्यता अयोग्यता के बारे में क्या बताया जाता है? अयोग्यता अयोग्यता के बारे में, तो अयोग्यता के बारे में क्या है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार की हम बात कर रहे हैं, ना कि संविधान के अनुसार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में अयोग्यता क्या है कि चुनावी अपराध अगर हो जाए, ठीक, 2 वर्ष या अधिक की कारावास की सजा हो जाए, ठीक है, निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा ना दे पाने पर अयोग्य माना जाएगा, सरकारी ठेका है, काम है, सेवा में दिलचस्पी नहीं होती है, तो उस समय भी वो अयोग्य माना जाएगा, ठीक। उसके अलावा लाभ के पद पर ना हो, ये भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में है। साथ में भ्रष्टाचार और निष्ठावान होने के कारण अगर उसको बर्खास्त किया गया है तो वो भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के ये योग्यता और अयोग्यता की शर्तों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर है डी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। देखते क्या है, देखिए, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल तय नहीं किया है, हमने बताया था संविधान ने नहीं तय किया, यह संसद पर छोड़ दिया गया है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट गलत। संसद की सदस्यता के लिए संवैधानिक योग्यता के अलावा संसद ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में कुछ अतिरिक्त योग्यताएं रखी हैं, ठीक है। ऊपर हमने अभी बताया योग्यता और अयोग्यता के बारे में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत क्या कहा गया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को पुरस्कृत कर सकते हैं। पुरस्कृत मतलब दोनों सदनों को, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को पुरस्कृत कर सकते हैं। पुरस्कृत करने का मतलब है यहाँ पे उनका उत्साह बढ़ाना या फिर उनके कार्यकाल को आगे करना या फिर उनके सदस्यों का मनोबल बढ़ाना, इस तरीके से पुरस्कृत मतलब ये होता है, ठीक। दूसरी चीज है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो राज्यों की परिषद है उसके अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार होता है, और वो कब होता है? टाई के मामले में जब मतदान के लिए उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लिया जाता है। तो ऐसा कुछ तो नहीं है, इसमें पूछा गया सही कौन सा है, तो सही नहीं कौन सा सही नहीं है इसमें, मतलब पूछा गया गलत कौन सा है। तो देखते हैं गलत कौन सा है। पहला तो सही है, ठीक है, तो दूसरा गलत है इसमें, ठीक है ना। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है इसमें। अब देखते क्या है, क्यों गलत है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों पुरस्कृत लेकिन केवल लोकसभा को भंग कर सकते हैं। हमने बताया था ना कि पुरस्कृत का मतलब उनको उनका कार्यकाल बढ़ाना, उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है, साथ साथ सब चलता रहे, लेकिन लोकसभा एक ऐसी संस्था जिसको भंग भी कर सकते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा जो है उसको स्थायी सदन कहा जाता है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है
इसके 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल में, दूसरे वर्ष क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब क्या है। अब सभापति को बोलने का अधिकार होगा और अन्यथा कार्यवाही में भाग लेने के लिए राज्य मंत्री परिषद, जबकि उन्हें कार्यालय से उपाध्यक्ष को हटाने का कोई भी प्रस्ताव परिषद में विचाराधीन है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, अनुच्छेद 100 में कहा गया है। ठीक है, इस तरह का अगर प्रस्ताव लाना है तो उसमें कार्रवाई के दौरान किसी भी अन्य मामले में वोट देने का हकदार नहीं होगा ये। ठीक है ना, अगर उपाध्यक्ष की बात होती है तो उस मामले में अध्यक्ष के पास ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना है। बाकी मंत्रिपरिषद की अगर बात आती है तो उसमें वो भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखने क्या है। प्रश्न नंबर 125, संविधान संसद के दोनों सदनों के लिए आम मतलब सचिवीय कर्मचारी पदों के निर्माण की एक सख्त रोकथाम के लिए प्रदान करता है, ऐसा कुछ है, देखते हैं। पहले आगे, सदनों के संयुक्त बैठक के दौरान अध्यक्ष या अध्यक्ष जो होता है वो वोटों की समानता के मामले में एक निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं, तो ये तो बात सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका तो सही है, पहला स्टेटमेंट भी आपका सही नहीं है, पहला गलत है आपका। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्यों गलत है। पहला इस मामले में गलत है कि संसद के प्रत्येक सदन का अपना एक अलग सचिवीय स्टाफ होता है, 98 अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 98 क्लॉज 1 के तहत कहा गया है कि संसद का जो प्रत्येक सदन होगा उसके अपने सचिवीय स्टाफ होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है कि बशर्ते कि संसद में के दोनों सदनों में आम पदों के सृजन को रोकने के रूप में इस खंड में कुछ भी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, जो अन्य आम पदों का सृजन होता है उनको रोकने के रूप में इसमें कुछ अलग से नहीं है, बस ऐसे ही है। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 100 क्लॉज 1, ये क्या है, इसमें कहा गया है कि अन्यथा उपलब्ध कराए गए अनुसार क्या है कि सदन के किसी भी सदन या संयुक्त बैठक में सभी प्रश्न अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले या अध्यक्ष के अलावा उपस्थित और मतदान के अधिकांश सदस्यों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। किसके द्वारा, अध्यक्ष निर्धारित करेंगे, अध्यक्ष नहीं है तो उनके अध्यक्ष के अलावा कोई और उपस्थित है और मतदान के सदस्य हैं, इनके द्वारा ये निर्धारित किया जाता है, अनुच्छेद 100 के अनुसार बताया गया। ठीक, अध्यक्ष या अध्यक्ष और इस तरह के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति पहली बार में वोट नहीं करता, ये आपको भी पता है, लेकिन वोटों की समानता के मामले में क्या होता है, जब टाई का मामला आता है उस स्थिति में अध्यक्ष जो है अपना मत देता और उसका मत जो होता है वो निर्णायक मत होता है। ठीक है, चलिए तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही हो गया। अगला प्रश्न देखने क्या है, अगला प्रश्न है सदन के व्यवसाय के, सदन के कार्यभार के, व्यवसाय मतलब कार्यभार के स्थगन प्रस्ताव के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो यह एक ऐसा मामला उठाना चाहिए जो निश्चित तथ्यात्मक जरूरी और सार्वजनिक महत्व का हो, बात सही है। यह एक से अधिक मामलों को कवर नहीं करना चाहिए, इसे अदालत द्वारा किसी भी मामले से निपटना नहीं चाहिए, तो अदालत में संसद की कार्यवाही को अदालत में क्या किया जाता है, चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये भाई बात आपको पता है। तो पहला तीसरा आपका सही है मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं, इसका तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अब तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो देखते हैं क्या है इसमें। स्थगन प्रस्ताव संसद में तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। जो स्थगन प्रस्ताव होता है वो क्या, क्यों पेश किया जाता है, क्योंकि वो किसी सार्वजनिक, जो तत्काल में सार्वजनिक महत्व होता है उसके एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। ठीक, यह एक ऐसा मामला होता है जो निश्चित होता है, तथ्यात्मक जरूरी और सार्वजनिक महत्व का होता है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव इस मामले में होता है तो ध्यान रखना है इसको, निश्चित तथ्यात्मक जरूरी और सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए। ठीक, एक या एक से अधिक मामलों को कवर नहीं करता है, सही है, इसे अदालत द्वारा किसी भी मामले से निपटना चाहिए, निपटना नहीं चाहिए, सही है, हमने बताया था। तो तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, सही हैं। अब क्या है,
कथनों पर विचार करना। तो इसमें पूछा गया पहला स्टेटमेंट है कि संयुक्त बैठक केवल साधारण बिल या मनी बिल पर लागू होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों? आपको हम बता दें, संयुक्त बैठक अभी तक 3 बार हो चुकी है। ठीक है, 3 बार हुई है संयुक्त बैठक। कब कब? एक दहेज वाले मामले में, दूसरा बैंक सेवा आयोग के मामले में, और तीसरा मामला हुआ है कोटा वाले में। ठीक है, ये 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अगर साधारण बिल या मनी बिल की बात होती तो इसमें क्या होता? ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। चलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ऐसा नहीं है। उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, अगर वो अनुपस्थित हैं तो उस मौके पे राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, उनके बीच से किसी को चुनते हैं कि आप इसकी अध्यक्षता करें। ठीक है ना, इस स्थिति को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट इस हिसाब से तो गलत लग रहे हैं, देखते हैं। बहरहाल दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया सी। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। तो संयुक्त बैठक कब हुई है ये आपको पता हो गया, 3 मामलों में हुआ अभी तक, दहेज मनी ये बैंक सेवा आयोग और कोटा के मामले में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा हम बता रहे हैं कि ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष सभापति जो होते हैं वो नहीं करते हैं, उसके लिए राष्ट्रपति महोदय किसी को उसी लोकसभा से ही चुनते हैं। ठीक है, अपने अनुसार चुनते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं क्या है। संयुक्त बैठक केवल साधारण बिल या मनी वित्तीय बिलों पर लागू होती है, ना कि धन बिल बिलों या संवैधानिक संशोधन। अच्छा, ठीक। तो संयुक्त बैठक जो है वो आपके साधारण बिल या वित्तीय बिल पे लागू होगी, ना कि धन बिल या संवैधानिक संशोधन पे। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज है, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक संयुक्त बैठक से अनुपस्थित रहते तो राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं। ठीक, राज्यसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति ही होते राज्यसभा के पदेन सभापति। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, इस बात को भूलना नहीं आपको कि उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, ये होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति। लेकिन उसमें एक शर्त ये भी रहती है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, बस सदस्य नहीं जरूरी है। ठीक, तो वो सदस्य भी नहीं होते, और जब सदस्य नहीं होते तो अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं। और यही बात राष्ट्रपति के भी मामले में आता है, क्योंकि वो भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ वो योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के मामले में क्या है, लोकसभा की सदस्यता होने की योग्यता होनी चाहिए, और इनमें जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनमें राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, आरोपित व्यय जो है वो संसद द्वारा गैर मतदान योग्य है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन जो है भारत के आरोपित व्यय की श्रेणी में आती है। तीसरा है, ऋण का जो शुल्क होता है जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी, भारत के आवेशित व्यय की श्रेणी में आता है। अभी तीनों कथन सही है क्या, देखते हैं इनकी व्याख्या। तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, चलिए देखते हैं इनकी व्याख्या क्या है। व्याख्या है कि आरोपित व्यय जो होता है संसद के द्वारा गैर मत, मतलब इस पर कोई मत नहीं, मतदान नहीं किया जाएगा। ठीक, यह केवल संसद द्वारा चर्चा हो सकती है, ध्यान रखना है कि चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी चीज, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन हैं, भत्ते हैं और पेंशन, और केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत के आरोपित व्यय की श्रेणी में आते हैं, इसलिए दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तीसरा क्या है,
जो ऋण का शुल्क होता है जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी, जिसमें ब्याज है, डूबता हुआ फंड शुल्क हो, मोचन शुल्क, ऋणों के उठाव से संबंधित अन्य व्यय, ऋण की सेवा, ऋण मोचन भारत के आवेशित व्यय की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाता है, ये देखना है। तो इसमें भविष्य निधि जमा है, ट्रेजरी बिल जारी करके ऋण उठाया गया हो वो भी जमा किया जाएगा, प्रेषण और बचत बैंक जमा, ये सभी जमा होते हैं क्या? हमें दूसरे पे डाउट है, बाकी 1, 3, 4 सही लग रहा मेरे, हमारे हिसाब से इसका सही उत्तर बी होना चाहिए। वैसे देखते हैं इसका सही उत्तर, सही उत्तर इसका बी है। ठीक है, अब ये कैसे है इसको भी देख लेते हैं, सही क्यों है भाई। भारत का जो सार्वजनिक खाता होता है भारत सरकार की ओर से या उसके द्वारा प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धन जो भारत में समेकित कोष में जमा किए गए अन्य लोगों के अलावा होते हैं को भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाएगा। इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, ध्यान रखना है बचत बैंक जमा, विभागीय जमा और प्रेषण को शामिल किया जाता है। इसमें किसको किसको शामिल किया जा रहा है, ध्यान से सुनना है और ध्यान देना है इस पर कि भविष्य निधि जमा को जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक, विभागीय जमा, प्रेषण, इन सब को शामिल किया जाता है भारत के सार्वजनिक खाते के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत था? दूसरा स्टेटमेंट गलत था क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है, भारत में समेकित कोष में जमा किए गए अन्य लोगों के अलावा, जो अन्य लोग जमा करते हैं उनके अलावा सबको भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाता है। तो ट्रेजरी जो बिल होती है वो अन्य लोगों के ठीक है, वो जो ट्रेजरी बिल है वो ऐसे नहीं होता, वो किसी न किसी के द्वारा जमा किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर है 130। अब इसमें क्या है ये भी देख लेते हैं। भारत के आकस्मिकता कोष इमरजेंसी फंड संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस फंड को राष्ट्रपति के निपटान में रखा गया है और वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इससे आगे बढ़ सकता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भारत के जो आकस्मिकता कोष है या राज्य की आकस्मिकता कोष है, इन दोनों पे राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या करते हैं, इनमें अपना यहाँ से ये किसी अन्य खर्च के लिए, अतिरिक्त खर्च के लिए यहाँ से पैसा निकालते हैं, ले सकते हैं, ऐसा है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस निधि में समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है, ये भी बात सही है। ठीक है ना, और जब ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पूछा क्या गया है कि इसमें से गलत कौन सा है, तो सही है दोनों, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। देखिए आकस्मिकता निधि है तो इसको राष्ट्रपति के निपटान में रखा है, मतलब राष्ट्रपति के उसमें है और वह अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इससे आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, वहाँ से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, संविधान ने भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए संसद को अधिकृत किया है। संविधान ने भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए संसद को अधिकृत किया है, जिसमें कानून के द्वारा निर्धारित राशियों का समय समय पर भुगतान किया जाता है। ये बात आपको समझ में आई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 130, क्या है इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों को 5 साल के लिए चुना जाता है, ऐसा है क्या, 5 साल के लिए चुना जाता है, नहीं। ठीक है, तो ये गलत हुआ पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि भारत अब तक सुरक्षा परिषद का कभी भी स्थायी सदस्य नहीं रहा है, है? स्थायी का मतलब यहाँ पे गलत हुआ है, मिस्टेक हमसे हो गई, गलती हो गई है, ये गैर स्थायी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो भारत अब तक सुरक्षा परिषद का कभी भी गैर स्थायी सदस्य नहीं रहा है।
सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि यह प्रश्न क्यों आया, यह करंट अफेयर से संबंधित, समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी अभी भारत को फिर से इसमें गैर स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। और कार्यकाल कितना होता है ये आप लोग हमें बताएंगे, और भारत को अभी तक कितनी बार चुना गया है इसमें, तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं, भारत को 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सीट के लिए चुना गया है। बात ध्यान रखनी है कि 2021-22 के लिए भी चुना गया है। गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव होता है वो 2 साल के लिए, इसलिए हर साल महासभा क्या करती है, कुल 10 में से 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। हर साल चुनाव होता है 10 में से 5 सीटों का, ठीक है, 5 स्थाई और 5 गैर स्थाई, ठीक है। और भारत इससे पहले कितनी बार रहा, देखिए 51, 50, 57, 68, 77, 78, 79, 80, 85, 91, 92 और 11, 12 कितनी बार हुआ, गोलग्निय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल मिला के भारत को अभी तक 8 बार टोटल चुना जा चुका है, ठीक है। अगर प्रश्न में स्टेटमेंट के रूप में आए कि 2021-22 के अलावा भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के रूप में 7 बार चुना गया है, तो स्टेटमेंट सही माना जाएगा। अगर स्टेटमेंट ये भी आए कि भारत को अभी तक 2021-22 तक कुल 8 बार गैर स्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में चुना गया है, तो स्टेटमेंट ये भी सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप ये समझ गए कि कितनी बार हुआ, अभी तक 8 बार किया गया है और 2 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। सॉरी, तुलनी महोत्सव है, तुलनी एक महोत्सव है, करंट अफेयर समसामयिक घटनाक्रम से प्रश्न है ये अभी। तो ये दोनों किसके द्वारा मनाए जाते हैं, तुलनी महोत्सव सुमी जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें उत्तर दिख गया था, हो सकता है कि आप लोगों को भी लगे कि ये तो देख के बताए हैं। चलिए, तो तुलनी जो महोत्सव है वो क्या है, बिरादरी मतलब भाईचारा, एकजुटता, साझेदारी और एकता का प्रतीक है। तो ध्यान रखना, तुलनी जो महोत्सव है वो बिरादरी मतलब भाईचारा, एकजुटता, साझेदारी और एकता का प्रतीक है, जो केवल सुमी समुदाय के बीच ही नहीं बल्कि पूरे नागों के बीच में भी मनाया, नागों मतलब नागालैंड के निवासियों को बोला जा रहा है यहाँ पे, तो उन पूरे नागा समुदाय के बीच में भी मनाया जाता है, ये सिर्फ सुमी समुदाय के बीच में ही नहीं मनाया जाता, ठीक है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, भाईचारा, एकजुटता, साझेदारी और एकता का प्रतीक है, ठीक है। दूसरी चीज, सुमी जनजाति जो है वो नागालैंड में पाई जाती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इससे दो प्रश्न तैयार हुए, एक तो सुमी जनजाति कहाँ पाई जाती है और दूसरा तुलनी महोत्सव कौन मनाता है या क्यों मनाया जाता है, ठीक है, या फिर किस राज्य में तुलनी महोत्सव मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि ये मनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड के नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, सुमी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, यह जो है बिरादरी मतलब भाईचारा, एकजुटता, साझेदारी और एकता का प्रतीक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पीएम सर्वनिधि के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। यह स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का सस्ता लोन देने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। तो ध्यान रखना है, स्ट्रीट वेंडर्स को, जो सब्जी वाले, फेरी वाले आते हैं, तो उनको 10,000 तक का सस्ता लोन दिया जाएगा इसके तहत, पीएम सर्वनिधि के तहत। ये माइक्रो, विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा है, बात सही है, गलत नहीं है ये, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, इसे वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसमें हमें थोड़ा डाउट लग रहा, लेकिन हो सकता है कि दूसरा भी स्टेटमेंट सही हो, देख लेते हैं। वैसे पहला ही स्टेटमेंट सही है, अब क्यों है आइए देख लेते हैं इसका। तो पहला स्टेटमेंट सही है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया, ठीक। तो घटना चक्र से समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न है,
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा पीएम सर्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है। इसमें प्रधानमंत्री निधि बोलते हैं पूरा, या प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना, क्या है प्रधानमंत्री निधि या फिर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना, ठीक है। यह 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को क्या करेगा, 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स जो आपके हैं उनको क्या करेगा कि अर्बन शहरों, क्या शहरों में अर्बन को मतलब 10,000 तक का उनको क्या करेंगे, सस्ती ऋण प्रदान करने के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा है, जिनके पास क्या है 24 मार्च को उससे पहले उनके कारोबार का संचालन हो रहा होगा, 24 मार्च से पहले जिनके पास संचालन का काम है उनके लिए है ये योजना, ठीक। और यह योजना मार्च 2022 तक वैध रहेगी, ये भी ध्यान रखना है कि 2022 तक वैध रहेगी। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि 24 मार्च से पहले जिनके पास ये सब काम चल रहे हैं उन्हीं को दिया जाएगा। दूसरी चीज़, 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें फ़ायदा मिलेगा, उनको 10,000 तक का लोन दिया जाएगा, वो भी सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी चीज़, अगली चीज़ है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया, नाम पूरा नाम है इसका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स की आत्मनिर्भर निधि योजना, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये 2022 तक वैध रहेगा, ये बिल्कुल नहीं भूलना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अब खुल गया है, आंसर भी सामने ही है। तो सिविल सर्विसेज बोर्ड का नेतृत्व कौन करता है, सिविल सर्विसेज बोर्ड का नेतृत्व राज्य के मुख्य सचिव करते हैं, ठीक है। तो जो राज्यों के मुख्य सचिव होते हैं वो सिविल सर्विसेज बोर्ड का नेतृत्व करते हैं। ये घटनाक्रम से संबंधित, समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित है, तो जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा। देखते हैं क्या है, क्यों ये आया चर्चा में, क्यों हुआ देखते हैं। चलिए, नियमों के अनुसार सभी राज्यों में नौकरशाहों के स्थानांतरण पोस्टिंग पर निर्णय लेने के लिए एक सिविल सेवा बोर्ड होना चाहिए, क्या है, नौकरशाहों का स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेने के लिए एक सिविल सेवा बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड को अपने निर्धारित कार्यकाल के पूरा होने से पहले एक सिविल सेवक के स्थानांतरण पर निर्णय लेना अनिवार्य है। ये भी जरूरी है कि आपका कार्यकाल पूरा हो उससे पहले आप एक सिविल सेवक के स्थानांतरण पर निर्णय लेना है आपको, जरूरी है। नियम क्या है, सिविल सेवा बोर्ड को 1 जनवरी को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार को उनके द्वारा आयोजित बैठकों की तारीख के बारे में और साथ ही संबंधित राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में अपलोड करने के लिए आदेश देते हैं, सही है कि भाई जो भी स्थिति है, जो भी रिपोर्ट है, जो भी कंडीशन है, उनको आप रिपोर्ट कैसे करेंगे, तो आप अपलोड करिए उनको, ठीक है, उनको बताना पड़ेगा। सिविल सेवा बोर्ड का नेतृत्व एक राज्य के मुख्य सचिव करते हैं, सही बात है। इसमें वरिष्ठतम अतिरिक्त मुख्य सचिव, अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, वित्तीय आयुक्त, सदस्य के रूप में समकक्ष रैंक या स्थिति का उस समय अधिकारी कोई भी हो। इसके अलावा इसके सदस्य सचिव के रूप में राज्य सरकार में कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव होते हैं, ठीक है। चलिए आगे भी है, आगे क्या है कि नौकरशाही को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए, नौकरशाही को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए और राजनीतिक आकाओं मतलब राजनीतिक नेताओं द्वारा सिविल सेवकों के लगातार स्थानांतरण को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया था कि वे नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर विचार करने के लिए एक सिविल सेवा बोर्ड का गठन करें। तो 2013 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार कि जो ये सिविल सेवक के सदस्यों का स्थानांतरण, उनकी पोस्टिंग होती है, ये राजनीतिक नेताओं के हाथ में ना होके ये एक बोर्ड के हाथ में होना चाहिए और इसके लिए आप एक सिविल सेवा बोर्ड का गठन करें, ठीक है। वो दोनों लोगों से बोला गया, एक राज्य से भी बोला गया और केंद्र से भी बोला गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ये है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देख लेते हैं। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वो संबंधित है विश्व न्याय परियोजना से, विश्व न्याय परियोजना से संबंधित है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ये क्यों चर्चा में रहा ये देखते हैं। चर्चा में रहा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एक
मात्रात्मक मूल्यांकन उपकरण है जो इस बात की विस्तृत और व्यापक तस्वीर पेश करने के लिए डिजाइन किया गया है कि किस हद तक, किस बात के को बताया गया है कि किस हद तक देश व्यवहार में कानून के शासन का पालन करते हैं। ठीक है, सूचकांक कानून के शासन के 8 आयामों, ध्यान रखना कि शासन के 8 आयामों पर डाटा प्रदान करता है ये। दूसरे अब क्या क्या है उसमें, एक तो है सीमित सरकारी शक्तियां, दूसरा भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, आदेश और सुरक्षा, मौलिक अधिकार, खुली सरकार ओपन गवर्नमेंट, विनियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय। ठीक है, इन 8 आयामों पर डाटा प्रदान करता है कौन, कौन प्रदान करता है ये, आपका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का एक मात्रात्मक मूल्यांकन क्या है, उपकरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 136। अब है प्रश्न है अर्थशास्त्र से संबंधित, ठीक है, और ट्रेडिशनल में है, साथ में कुछ करंट से भी रिलेटेड होगा, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कौन सा कथन सही नहीं, मतलब गलत कौन सा है बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि गलत कौन सा है, सही कौन सा है ये बताना है। सामाजिक बहिष्कार एक उपाय है जो आने वाले वर्षों में गरीब और शेष रहने वाले कुछ समुदायों की अधिक संभावना का वर्णन करता है, सही बात है। ठीक है, दूसरा है कि प्रति व्यक्ति आय अमीर और गरीब के बीच असमानताओं को नहीं दर्शाती है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, हमको बताना था गलत कौन सा है, तो गलत कोई है नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं, नहीं, पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, देखते हैं गलत क्यों है। गरीबी के लिए भेद्यता एक उपाय है जो आने वाले वर्षों में कुछ समुदायों में बनने शेष रहने वाले व्यक्तियों की अधिक संभावना का वर्णन करता है, ध्यान रखना कि गरीबी के लिए जो भेद क्या है, ये एक उपाय है भेद्यता, कि इसमें बताया जाएगा कि जो आने वाले वर्षों में जो समुदाय हैं उनके बनने या शेष रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संभावना कैसी रहेगी। ठीक है, उनका वर्णन करता है। दूसरी चीज़ जो सामाजिक बहिष्कार है, इसके अनुसार कहा जाता है कि गरीबी को गरीबों के साथ ही अन्य गरीब लोगों के साथ, गरीबी को गरीबों के साथ ही अन्य गरीब लोगों के साथ रहने की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, जिन्हें बेहतर परिवेश में बेहतर लोगों की सामाजिक समानता, जिन्हें बेहतर परिवेश में बेहतर लोगों की सामाजिक समानता का आनंद लेने से बाहर रखा गया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो जो पहला स्टेटमेंट था कि सामाजिक बहिष्कार का मतलब ये है कुछ समुदाय बने शेष रहने वाले इनकी संभावना का वर्णन करता है, तो वो जो चीज़ है वो है गरीबी के लिए जो भेद्यता का उपाय है उसके बारे में बताता है वो। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया था। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय जो है देश की कुल आय होती है जो इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित है, प्रति व्यक्ति आय अमीर और गरीब के बीच असमानताओं को नहीं दर्शा पाती है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही हुआ और पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, बताना है कौन सा कथन सही है। अब देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा उपयोग किया जाने वाले 3 आयामों में से एक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, सही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है आप के रहने का लेवल, आपके जो रहने का स्तर है वो कैसा है। ठीक है, कोई 1 रुपये में गुजारा करता है, कोई 100 रुपये में गुजारा करता है, ये है चीज़। ठीक है ना, तो ये होती स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हुआ, उन 3 में से एक ये है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 में विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया था। तो गरीबी सूचकांक विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है, नहीं, देखते हैं किसने विकसित किया है। आइए देखिए, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, 3 आयाम है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के लिए। ठीक है ना, इसमें क्या है,
बहुआयामी गरीबी सूचकांक हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा तीन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन का स्तर, ठीक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा है, वैश्विक MPI को 2010 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल OPHI के द्वारा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा विकसित किया गया था और प्रमुख मानव विकास रिपोर्ट के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP करता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि UNDP के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। विश्व बैंक नहीं करता, 2010 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था, उसका नाम क्या था, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के रूप में, ठीक है। विश्व बैंक का इसमें कोई नहीं था कुछ, ठीक। और दूसरी चीज़ है, इस समय जो मानव विकास रिपोर्ट प्रमुख रूप से जारी करती है वो कौन, UNDP के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। चलिए कोई नहीं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, ग्रेट गैट्सबी कर्व एक पीढ़ी में धन की एकाग्रता और अंतर आर्थिक गतिशीलता पर इसके प्रभाव के बीच सहसंबंध प्रदान करता है। बात सही है कि ग्रेट गैट्सबी कर्व जो होता है वो एक पीढ़ी में धन की एकाग्रता और अंतर आर्थिक गतिशीलता पर इसके प्रभाव के बीच सहसंबंध प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय जो आय होती है मानव विकास सूचकांक की गणना में प्रयुक्त संकेतकों में से एक है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय मानव विकास सूचकांक की गणना में प्रयुक्त संकेतकों में से एक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हुआ। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। ग्रेट, इसे इसी नाम से इसको याद रखना कि ग्रेट गैट्सबी और कर्व नाम है इसका। ये क्या करता है, एक पीढ़ी में धन की एकाग्रता और अंतर आर्थिक गतिशीलता पर इसके प्रभाव के बीच सहसंबंध प्रदान करता है। दूसरा है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय मानव विकास सूचकांक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा की अपेक्षित वर्ष, स्कूल की पढ़ाई के वर्ष, सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति जो हैं ये मानव विकास सूचकांक की गणना में संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को भी शामिल किया जाता है, स्कूली शिक्षा मतलब शिक्षा को भी, तो स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर। भाई प्रति व्यक्ति आय आदमी की अगर ज़्यादा रहेगी तो उसका रहने का लेवल भी तो अच्छा रहेगा, जीवन स्तर भी उसका बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर उसकी इनकम कम रहेगी तो उस अपने इनकम के हिसाब से ही करेगा काम, अपने हिसाब से रहेगा, तो वो जो है यहाँ पे सकल राष्ट्रीय आय जो है ये इसमें क्या है, एक संकेतक के रूप में काम करते हैं ये लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देश के GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी 2014-15 के स्तर से घट गई है। बात सही है क्या, सही नहीं है पूछा गया है तो बताना हमको क्या है कि गलत कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे आपको आप देख भी रहे कि इसमें जो सही उत्तर इसका बी है, तो हमें गलत बताना तो इसका दूसरा ही गलत होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो सकल मूल्य वर्धित है इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की जो हिस्सेदारी है वो 2014-15 के स्तर से घट चुकी है इस समय, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा है, 2018 में चीन के बाद भारत तैयार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया, ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट तभी गलत हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है। अब देखिए व्याख्या, देश के GVA में सकल मूल्य वर्धित में कृषि संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी 14-15 के स्तर से घट गई है। जैसे 14-15 में कितना थी, 18.2%, 19-20 में 16.5% पे आ गई, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही। 2018 में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तैयार स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चीन है, फिर USA है, फिर उसके बाद भारत है, वो भी तैयार स्टील का सबसे तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बना है भारत,
ठीक है ना, दूसरा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते भाई, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुल निर्यात का 15% हिस्सा सेवा क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का हिस्सा सबसे ज़्यादा है आज के समय में, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेवा क्षेत्र, हॉस्पिटल व्यवस्था हमारे यहाँ, पर्यटन सेवा है, ये परिवहन सेवा है, तो ये सब सेवा क्षेत्र से के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये इनका हिस्सा बहुत ज़्यादा है आज के समय में। 15% क्या है, 15% बहुत है। टर्शियरी सेक्टर में आते हैं ना, तृतीय क्षेत्र में, तो उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया, अब ये डी नहीं देखे होते तब भी यही सही होता, ठीक। सेवा क्षेत्र देश के जीवीए का 75% हिस्सा, अब ये भी नहीं, इतना भी नहीं है, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है, ठीक है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। देख लेते हैं कितना है। देखिए सेवा क्षेत्र का कुल निर्यात का 38% हिस्सा होता है सेवा क्षेत्र का, और सेवा क्षेत्र आपका थर्ड टर्शियरी सेक्टर का भाग है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा है, सेवा क्षेत्र के जीवीए को 55% के लिए जिम्मेदार है, जीवीए में 55% के लिए जिम्मेदार है सेवा क्षेत्र, और कुल निर्यात में 38% की हिस्सेदारी है। दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए एक दो प्रश्न और हो जाए। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो कल, आज जो है कितना प्रश्न पूरा हुआ, 20 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं आज, ठीक है। थोड़ा सा अब जल्दी करेंगे, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाएंगे, जिससे कि एक दिन में कम से कम 25 से 30 प्रश्न कवर हों, ठीक है ना। इसलिए अब थोड़ा सा तेज स्पीड में काम करेंगे, ताकि आप लोगों को भी सुविधा होगी, ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, फिर अब कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।